गंगा भी नहाए व्रत भी रखे चारों धामों के चक्कर लगाए वो भी अपने काम ना आए। हिंदू धर्म को छोड़ के बाबा बुद्ध की राह पे चल दिए। उन्होंने कहा है ब्राह्मण का चरित्र कभी नायक नहीं होता है। जब मेरा पुरखा कह गया और मैं अपने बाप का लायक बेटा हूँ तो मैं उनकी बातों पे आंख बंद करके विश्वास करूंगा। आज 14 अक्टूबर है धम्म दीक्षा दिवस। आज ही के दिन बाबा साहब ने सम्राट अशोक का धम्म अपनाया था, बुद्ध का धम्म अपनाया था, जो भारत अखंड भारत था, सोने की चिड़िया थी, तक्षशिला विक्रमशिला नालंदा जैसी यूनिवर्सिटियाँ थी जहाँ घरों में ताले नहीं लगते थे और कंधार से लेकर काबुल तक भारत की सीमा थी। उस समय उस दौर में सम्राट अशोक 50-50 लाख भिक्षुओं का संगठन चलाते थे और एकजुट होते थे। वो था भारत जिसे विश्व गुरु कहा जाता था। आज उसी धम्म को बाबा साहब ने 1956 में फिर से जिंदा किया, उसकी पहचान दी। मेरे साथ एक खास मेहमान हैं, मिशन गायक हैं और बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। धम्म दीक्षा पर कुछ गुनगुनाइए आप। देखिए बहुत बहुत शुक्रिया शंभू भाई। सपोज कीजिए कि बाबा साहब दीक्षा लेके, क्योंकि आज ही का दिन था, डेट आज ही की थी, और बाबा साहब दीक्षा लेके चले गए हैं और हम लोग जैसे अब समापन हुआ है ऐसे ही हैं, तो याद कीजिए, आँख बंद करेंगे तो फील करेंगे। हिंदू धर्म को छोड़ के बाबा बुद्ध की राह पे चल दिए। हिंदू धर्म को छोड़ के बाबा बुद्ध की राह पे चल दिए। जाते जाते 22 प्रतिज्ञा पंचशीलों में जोड़ गए। हिंदू धर्म को छोड़ के बाबा बुद्ध की राह पे चल दिए। उससे पहले हमने क्या किया, बाबा साहब के कहने से पहले, ब्रह्मा को पूजा, विष्णु को पूजा, सबसे पहले गणेश को पूजा, लेकिन भला वो कर ना सके। गंगा भी नहाए व्रत भी रखे चारों धामों के चक्कर लगाए वो भी अपने काम ना आए। हिंदू धर्म के 33 करोड़ दलितों के कुछ काम ना आए। हिंदू धर्म को छोड़ के बाबा बुद्ध की राह पे चल दिए। जाते जाते 22 प्रतिज्ञा पंचशीलों में जोड़ गए। हिंदू धर्म को छोड़ के बाबा बुद्ध की राह पे चल दिए। और जब हमने बाबा साहब की बात मानी तो क्या हुआ, बाबा ने हमको शिक्षा दी है, बौद्ध धर्म की दीक्षा भी दी है, जो मानव को मानव बनाए। शिक्षित बनो तुम, संगठित रहो तुम, संघर्ष को भी तत्पर रहो तुम, पंचशीलों का पालन करो तुम, अछूतों को तो सब कुछ दिया है और गांधी के प्राण बचाए। हिंदू धर्म को छोड़ के बाबा बुद्ध की राह पे चल दिए। मोहन भागवत ने कहा है कि हम वर्ण और जाति खत्म करेंगे, भारत में जन्मा हर कोई हिंदू है, आप लोग क्यों नहीं मान लेते? नहीं, उस आदमी के कहने से हम क्या कहेंगे, कल को वो कहेगा सब हिंदू हैं तो मैं मान लूं हिंदू हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ, बाबा साहब कह के गए थे। और मैं आपको बता देता हूँ कि जिस वक्त देश आज़ाद हुआ था और 56 में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है, लेकिन मेरे दादाजी ने 1929 की उनकी पैदाइश थी और 42 में तो टीचर उर्दू के बन गए थे, और 52 में तो मेरे दादा ने ये घोषणा कर दी थी, कबीरपंथी हैं, कि हम बाबा साहब के जैसा कह रहे हैं बाबा साहब, क्योंकि बाबा साहब से 2 बार मिलने की कोशिश की मेरे दादाजी ने अलीपुर में, तो प्रभाव बाबा साहब पे पहले था। तो मेरे दादाजी ने 52 में घोषणा कर दी थी कि हम, बाबा साहब ने जब कहा है कि बौद्ध को माना तो हम बुद्ध को मानेंगे। मेरे पास सर्टिफिकेट है 1902 से लेके और आज तक के इस बात के भी, कि 52 में सरकार, जो सरकार चल रही है वो जेल भेज रही है, धार्मिक भावना हाथ का आरोप लग जाएगा आप पर। हम इन्हीं कहते ना कि इन्हीं जेलों में और संघर्षों में रहकर पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, इनसे हमें डर नहीं लगता, हमें ऐसा लगता है कि हमारा स्वागत हो रहा है। गया मंत्री का इस्तीफा हो गया, और देखिए मंत्री जी का हुआ है, लेकिन आज समाज ने उनको प्यार प्यार दिया है ना, ये समाज ऐसे ही प्यार देता है, जो धम्म की सेवा करता है वो सभी का प्यारा होता है। और
क्या बोलते हैं, मोहन भागवत कह रहे हैं कि सब हिंदू है, तो मान लीजिए आरएसएस तो राष्ट्रवादी संगठन है। 1995 में मेरे पिताजी ने हम चारों बहन भाइयों का सर्टिफिकेट बनवाया था बौद्ध होने का, और डीएम द्वारा बनवाया था, जिसमें डीएम ने भी मोहर लगाई है और तहसीलदार ने भी मोहर लगाई है। कानून को पटवारी सब ने आख्या दी है, ग्राम के प्रधान ने आख्या दी है कि अब ये हिंदू नहीं है, इनके दादा परदादा बौद्ध धर्म को मानते आए हैं और ये रजिस्टर्ड बौद्ध होते हैं। तो मैं 95 में रजिस्टर्ड। क्या वजह थी कि सम्राट अशोक का धम, हम सब लोग भारत बुद्धमय भारत था, तक्षशिला नालंदा विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियाँ थी, क्या वजह रही कि आप लोग का अधिकार चला गया और आप लोग शूद्र और अछूत बन गए? देखिए, हम करुणा वाले आदमी हैं। अगर हमसे कोई आज भी हमारे इस जो आज कारवां आया है इसमें अगर जय भीम करके दुश्मन के लोग भी आ जाते ना, तो हम उनसे भी कहते नहीं जय भीम, और वो क्या कर जाते हमें पता नहीं चलती। दुश्मन ने हमसे जय भीम क्या करी, दुश्मन ने हमसे क्या कहा कि हम भी बौद्ध हैं और तुम भी बौद्ध हैं, और फिर उसने हमारे साथ गद्दारी कर दी। और चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर सम्राट अशोक के बहद्रथ तक सब ने ब्राह्मणों को समझा कर ये सुधर गए हैं, प्यार किया है, लेकिन पुष्पमित्र सिंह ने फिर गद्दारी की और गद्दारी किया। लेकिन आज हमें उसी समय से हमें अकल आ गई कि ब्राह्मण हमेशा गद्दार होता है। और फूले साहब तो कह के ब्राह्मण की ब्राह्मणवादी, ब्राह्मण और ब्राह्मणवादी, फूले साहब ने तो यहाँ तक कहा है कि ब्राह्मण का चरित्र कभी न्यायिक नहीं होता। उन्होंने ब्राह्मणवादी नहीं कहा है, उन्होंने कहा है ब्राह्मण का चरित्र कभी न्यायिक नहीं होता है। जब मेरा पुरखा कह गया और मैं अपने बाप का लायक बेटा हूँ, तो मैं उनकी बातों पर आँख बंद करके विश्वास करूँगा। लेकिन जातिवाद फैला रहे ना? नहीं, जातिवाद मैंने कब फैलाया? जातिवाद मैंने नहीं फैलाया। आपको टारगेट कर रहे हैं? नहीं, टारगेट भाई वो आए हमारे साथ, हमने पहले भी उन्हें प्यार दिया है, लेकिन गद्दारी नहीं चलेगी। इस बार हम मुंह से जय भीम भी बोलते हैं और पिस्टल भी लगा के रखते हैं, तलवार तो होती नहीं, पिस्टल भी लगा के रखते हैं। अगर इस बार लाइसेंसी या गन? लाइसेंसी दो दो हैं मेरे पिताजी के नाम पे, और वो कह रहे हैं एक और कराऊंगा, तीन बेटे, तीनों को एक एक देकर जाऊंगा। और इस बार ब्राह्मण ने गद्दारी की तो ये तो हिंसा की बात कर रहे हैं, बुद्धिस्ट हिंसा नहीं कर रहे। चीन में एक कहावत है कि अगर तुम्हारे बुद्ध तुम्हें कत्ल करें, तुम्हें मारें, तो तुम क्या करोगे? तो वो बच्चे पढ़ाया जाता है, वो बच्चे कहते हैं बुद्ध हमारे इष्ट हैं, देवता हैं, हम उन्हें मानते हैं, सर झुकाते हैं सुबह शाम। अगर वो हमारे परिवार और हम पे बुरी नज़र डालेंगे या हमारे साथ कुछ ऐसा करेंगे, तो हम उनकी गर्दन काट देंगे। बुद्धिस्ट तो करुणा का प्रतीक है। करुणा का प्रतीक है, लेकिन हमारे साथ जो होता चला आया है उस चीज़ से हमने बहुत कुछ सीखा है कि हम पहले प्यार करते हैं, लेकिन जब हमें नाम याद नहीं है पूरे, एक मिनट रुके ना, मुझे नाम याद नहीं है, पूरे अफ्रीका में पहले श्वेत शासक होते थे अंग्रेज, आज पूरे अफ्रीका में अश्वेत शासक हैं। किसी ने कहा है उनका नाम कि वो आए, उन्होंने कहा आंख बंद करो, हमने आंख बंद किया, हमारे हाथ में ज़मीन के पेपर थे, उन्होंने बाइबल रख दिया और ज़मीन के पेपर ले लिए। क्या भारत में भी बहुजनों के साथ यही हुआ है? क्या सम्राट अशोक के वंशजों के ज़मीनें हड़प ली गई, उनका राजपाट हड़प लिया गया? इतिहास तो यही बताता है। और वो बहुजन समाज फिर से अपनी जड़ों की तरफ, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, फूले पेरियार, अंबेडकर, कबीर, रविदास, रामस्वरूप वर्मा, सोनेलाल पटेल, करुणानिधि, माननीय कांसी राम साहब, लालू यादव, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, अपनी जड़ों की तरफ लौट पाएंगे? मुश्किल लगता है। क्या कहना चाह रहे हैं सर? जैसा कि आपने बार बार कहा कि हिंदू धर्म, हिंदू धर्म, हिंदू धर्म, सर ये क्या हिंदू धर्म है? दयानंद सरस्वती आर्य समाज के सबसे बड़े संस्थापक थे, उन्होंने हिंदू धर्म को कहा था कि हिंदू धर्म एक गाली है, हिंदू का मतलब चोर लुटेरा बदमाश। उन्होंने उस समय में हिंदू धर्म को स्वीकार नहीं किया था, उन्होंने कहा था कि हिंदू जो धर्म है वो मुगलों की दी हुई गाली है, मुगल और मुसलमान में फर्क होता है। चलिए, व्हाट्सएप पर तमाम चीज़ें चलती रहती हैं, इतिहास जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत 2000 साल पहले बुद्धमय भारत था। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।